जायसवाल जैन युवा संगठन नाका मदार के तत्वाधान में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन धर्मशाला चुंगी नाका मदार पर आयोजित टूर्नामेंट में 8 टीमों के बीच हो रही है प्रतिस्पर्धा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भाजपा एससी मोर्चा ने किए सेवा कार्य। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में महाराणा प्रताप की प्रतिमा व गार्डन की साफ सफाई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों को आमजन की तकलीफों से नहीं कोई वास्ता, सड़कें खड्डों में तब्दील होकर हो गई हैं खस्ता। मानसून की बारिश ने स्मार्ट सिटी के कामों की खुली पोल, शहर की सभी सड़कें हुई खस्ताहाल। आजादी के अमृत महोत्सव महापर्व में हो जन जन की सहभागिता। अमृत स्वरूप राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध करवाएगा प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ। अजमेर संभाग में लगेंगे 5100 राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्र के स्वाभिमान एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए दिलाए जाएंगे संकल्प। प्रदेश को मिली पहले नेशनल सैंड आर्ट पार्क की सौगात। पुष्कर के मोतीसर रोड पर रेतीले धोरों में बने नेशनल सैंड आर्ट पार्क का प्रदेश के कई मंत्रियों ने किया उद्घाटन। पुष्कर के नए रंगजी मंदिर में आयोजित झूला महोत्सव में एकादशी के अवसर पर उमड़ी भीड़। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से परिवार पहुंचे झूला महोत्सव में, मंदिर प्रबंधन की ओर से किया गया स्वागत। कलेक्टर के आदेशों की पालना नहीं कर रहा पुष्कर का विद्युत महकमा। जिस अतिक्रमण वाले स्थान पर लगी थी डीपी, वहीं लगी आग, कलेक्टर ने हटाने के दिए थे निर्देश। मुहर्रम की 10 तारीख को खेला गया बड़ा हिदोस, डोले शरीफ की निकली सवारी। आईजी एसपी कलेक्टर सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। जिला प्रशासन ने 100 तलवारें की जारी। रामगंज थाना अंतर्गत 28 जुलाई को हुई चोरी के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए चोर विशाल और गौरव ने जुर्म किया कबूल, पुलिस कर रही है माल बरामदगी के प्रयास। वर्ष 2017 में रामगंज थाना क्षेत्र में किराए पर रहने आई विवाहिता ने 5 साल बाद लगाया दुष्कर्म का आरोप। गौतम नगर में रहने वाले मकान मालिक के भतीजे नितेश के खिलाफ दर्ज कराया दुष्कर्म का मुकदमा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने किया प्रदर्शन। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा रैली। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तिरंगा रैली में स्कूली बच्चे भी हुए शामिल, शहीद स्मारक पहुंचकर हुई संपन्न।